मैं समझा नहीं। थैंक यू पापा, थैंक यू। किस तरह की हेल्प? पापा आप दोनों के सेविंग्स के पैसे से तो कर पाए ना ये। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। अगर पापा ने पैसे नहीं दिए तो मॉम ने कहां से इतने सारे पैसे अरेंज किए? उनके पास तो इतनी बड़ी अमाउंट है ही नहीं। माँ, माँ। अरे आकाश, कैसा रहा काम? बना क्या कहा उन लोगों ने? माँ वो पैसे किसने दिए थे? मैंने दिए थे, तुझे बताया तो था, हमारी सेविंग्स में से तुझे पैसे दिए। सच बताइए माँ, प्लीज। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आकाश? और तू ये पैसों के पीछे क्यों पड़ा है? काम बना कि नहीं? मुझे पता है कि वो पैसे आपने नहीं दिए थे। अब बताइए वो पैसे किसने दिए थे? सच सच आपको मेरी कसम। आकाश वो मुझे पल्लवी ने दिए थे। अब पल्लवी को तन्वी ने तेरी हेल्प करने के लिए। अरे कोई पैसे वैसे नहीं दिए? वो मुझे पल्लवी ने दिए थे। अब पल्लवी को तन्वी ने तेरी हेल्प करने के लिए। हेलो राकेश जीजू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आकाश। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे फोन भी करेगा। उस दिन इतने गुस्से में था तू, बट आई एम वेरी हैप्पी कि तूने मुझे फोन किया। अरे नहीं नहीं जीजू, आपसे नाराजगी कैसी? राकेश जीजू आपसे एक बात पूछनी थी। आपने कुछ पैसे दिए पल्लवी को? मैंने पल्लव को कोई पैसे नहीं दिए। भाई तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और उस दिन तूने ही तो कहा था कि तुझे फैमिली मेंबर्स से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। नहीं 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 जीजू, कोई चक्कर नहीं है। ऑफ कोर्स कोई, जैसे आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं आपको करता हूँ बाद में कॉल। हाँ दीपिका को इतने सारे पैसे मिले कैसे? केस रिजू ने नहीं दिए और तनुधि इतना बड़ा अमाउंट अकेले अरेंज नहीं कर सकती। तनुधि से पूछता हूं। हेलो। हाँ आकाश, तुम्हें प्रोजेक्ट मिला? जी दीदी, थैंक्स टू यू। अगर आपने हेल्प ना की होती तो कैसे मिलता? थैंक यू तनुधि इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए। पल्लू आकाश दोनों को लग रहा है कि पैसे मैंने दिए। कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। हेलो तनुधि। हाँ हाँ सॉरी वो। हाँ आकाश, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो ना, और पल्लू और तुम्हारे दोनों के फ्यूचर का भी सवाल था, तो अब तुम पैसे की बातें छोड़ो, वो तुम्हारे ही है। नहीं नहीं दी, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आपकी वजह से मेरे करियर की एक नई शुरुआत हुई है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं दी? थैंक यू तो बोलना बनता है ना। तनु दी आप ना बहुत अच्छी है, दीपू दी से एकदम अलग। दीपू दी दिखावा करती है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने सच में मेरी हेल्प करी है। नहीं आकाश, दीपू दी भी बहुत अच्छी है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, वो सबकी हेल्प करती है वो। और उस दिन भी वो तुम्हारी हेल्प ही करना चाहती थी, पर गड़बड़ हो गई ना वरुण जीजू, तुम्हारे बीच में अनबन हो गई। आप बहुत स्वीट है तनुधि, और भोली भी। देखो जैसे मैंने कहा, आपने कुछ भी दिखावा नहीं किया, आपने बस सिंपल से शांति से हेल्प कर दी मेरी। ना कोई एटीट्यूड, ना कोई शो ऑफ दीपू दी की तरह। अरे नहीं नहीं आकाश, बिल्कुल भी नहीं। दीपू दी कभी कोई दिखावा नहीं करती है। उस दिन भी उन्हीं का प्लान था सारा,
तुम्हें सरप्राइज देके तुम्हें खुश करना चाहती थी। और देखो कैसा सरप्राइज दे दिया। और आपने देखो तनुजी, कुछ गलत नहीं किया, आपकी नीयत बिल्कुल भी खोट नहीं है, आपके मन में जो है बाहर भी वैसा ही है, दीपू दी की तरह नहीं। दीपू दी की नीयत और मन में क्या और बाहर क्या, आपका दिल साफ है तनुजी, तभी आपने मेरी हेल्प की है ना। आकाश अब तुम दीपू दी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो। मेरी बड़ी बहन है वो, पल्लू और मुझे हम दोनों को उन्होंने मम्मा की तरह पाला है। उनके खिलाफ तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और तुम्हें क्या लगता है ये पैसे मैंने दिए हैं, ये पैसे भी उन्होंने ही दिए हैं तुम्हें? एग्जैक्टली, जानता था। थैंक यू तनु दी। हेलो, पल्लवी तुमने मुझसे झूठ बोलकर ठीक नहीं किया, तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। दिमाग तो ठीक है ना, आज तूने सारी हदें पार कर दी। हिम्मत कैसे हुई तेरी? दीपू को धक्का कैसे दिया तूने? आपको किसने बुलाया यहाँ पे? आप क्यों आए हो? मेरे इनविटेशन का वेट करूँ? मजे लेने आए हो क्या मेरे? क्या मजे लेने आए हो? क्या कर रहे हो? क्या जान बूझे कुछ नहीं करता ये, बिना सोचे समझे सारे काम करता ये। जो मुझे करने मैं करूँगा, आप तो कुछ भी करेगा। धक्का देगा तुमको भी, धक्का देगा मैं तो है। कम आएगा क्या? शांत तो जाइए, आप तो चुप हो जाइए। और पल्लवी तुम ये सब करना बंद करो यार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बेइज्जती कराई है सबके सामने। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। आकाश हेलो। अच्छा मैं सुना नहीं उसने क्या कहा तुझे? दीपू दीपू दी प्लीज, वो बहुत गुस्से में है दी। नहीं पल्लू सॉरी दी, प्लीज मुझे मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, वो बहुत गुस्से में, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, प्लीज दी। दीपू दीपू दी जाने दो उसे। तुम्हें नहीं गुजारनी तो मत गुजारो यार, कोई जबरदस्ती नहीं है पल्लवी। और तुम क्यों आई हो यहाँ पर? हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी, तो किस लिए आई हो यहाँ पे? आकाश आकाश तो गुस्से में ये सब बोल रहे हो, प्लीज तुम प्लीज जाओ यार यहाँ से, मुझे मुझे नहीं करनी तुमसे बात, कोई बात नहीं करनी। आकाश मेरी बात सुनो। आकाश नहीं सुननी तुम्हारी बात पल्लवी, तुम मुझे नहीं समझ सकती हो, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। मेरा सुख चैन तुमने सब छीन लिया है यार, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ पल्लवी, प्लीज तुम क्यों नहीं समझती यार, प्लीज जाओ यहाँ से पल्लवी, प्लीज जाओ यार, फॉर गॉड सेक जाओ, जस्ट लीव, जाओ पल्लवी। Yes, please, जाओ। Thank you so much. बस सिर्फ यहाँ से नहीं पल्लवी, मेरे घर से, मेरी लाइफ से, भगवान के लिए जाओ पल्लवी। I don't want you in my life anymore. पल्लवी प्लीज मुझे चैन से ना अकेले जीने दो, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, तुम्हारे इन तरीकों को और नहीं झेल सकता। जब देखो हमेशा अपने मन की करती हो, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, एक बार ही नहीं सोचती कि मुझ पे क्या बीत रही है, बस हमेशा अपनी चीजें थोपती रहती हो मेरे ऊपर। अरे मेरा अपना कोई वजूद नहीं है क्या? तुमने तुमने मुझे जाने के लिए कहा आकाश, हमेशा के लिए, वो घर वो सिर्फ तुम्हारा घर है, तुम्हारा जब मन करेगा मुझे निकाल दोगे। तुम्हें जेन्युइनली फर्क पड़ता है पल्लवी? कि मेरे हिसाब से तुम अभी भी अपनी फैमिली के साथ हो, उनके पास हो, तो जाओ ना अपनी फैमिली के पास, शायद इसलिए तुम उन्हें हमेशा मुझसे ऊपर रखती हो ना, हमेशा पल्लवी।
मेरे प्यार का, मेरी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश का तुमने ये मतलब निकाला है? मेरी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम है कि तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? आकाश, तुम हर बात के लिए उन्हें ब्लेम कर रहे हो? तुम बहुत कुछ भूल रहे हो आकाश। मैंने कहा था ना, हमारी फैमिलीज एक है। तुम्हारे आइडियाज थे ना, तुमने वादा किया था ना आकाश, तुम अपने सारे वादे भूल रहे हो? हाँ भूल रहा हूँ। ये सुनना चाहती थी ना तुम? वेट, सुनो व्हाट आकाश, गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे ना, हर बार तुम ऐसे ही रिएक्ट करते थे, छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही सुना देते थे मुझे, लेकिन मैं चुपचाप माफ कर देती थी। जाने दो, कोई बात नहीं। 2 साल के बच्चे की तरह तुम टेंट्रम्स थ्रो करते थे और फिर 2 दिन बाद आके सॉरी पल्लवी, सॉरी पल्लवी। तुम्हें क्या लगता है आकाश, सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है? वो घर, सॉरी, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर आकाश, उसे मैंने अपना समझा, पूरी फैमिली को अपना माना, जो बन पड़ा उनके लिए किया, सब कुछ उनके लिए लड़ी, सब किया, और आज मुझे उनसे दूर करने की बात कर रही हूँ। तुम चाहते हो कि मैं उस फैमिली से दूर हो जाऊं? हाँ पल्लवी, मैं यही चाहता हूँ, बुरी फैमिली से और मुझसे दूर हो जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.